राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था तो लोग निश्चिंत थे कि एक ऐसा वक्त है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में कभी कोई खटास नहीं आ सकती। फिर जब ट्रंप के बाद बाइडेन का शासन आया तो लोगों के मन में कुछ शंका थी, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए हालात कुछ ऐसे हैं कि बाइडेन मोदी को याद कर रहे हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, जिससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच में भी रिश्ते उतने ही घनिष्ठ हैं जितने कि ट्रंप से थे। जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच में संबंधों में काफी गहराई आई है और यही वजह है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अमेरिका की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के इस न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी इस दौरे को लेकर पारस्परिक रूप से तारीख तय करने में जुट गए हैं। हालांकि तैयारी अभी शुरुआती चरणों में ही बताई जा रही है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि जून में यात्रा संभव हो सकती है। नरेंद्र मोदी की यात्रा इस मायने में भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत इस साल G20 ग्रुप से संबंधित कई बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सितंबर में शिखर सम्मेलन भी शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में देश के कई अन्य शीर्ष नेताओं के साथ साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे, इसलिए सितंबर महीने से पहले ही जून या जुलाई में ही इस यात्रा को रखने पर विचार किया जा रहा है। जून जुलाई ही यात्रा के लिए सटीक समय। जून और जुलाई के दौरान अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई चलेगी, इसलिए माना जा रहा है कि मोदी अपनी यात्रा में यहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो व्हाइट हाउस के राजकीय रात्रि भोज में भी शामिल हो सकते हैं। इन दोनों महीनों में पीएम मोदी को भी ना तो कोई विदेश यात्रा करनी है और ना ही भारत में कोई जरूरी कार्यक्रम तय है। दरअसल इस साल G20 सम्मेलन के अलावा भी पीएम मोदी के पास काफी व्यस्तता रहेगी। इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पीएम मोदी की तरफ से प्रचार अभियान शुरू करने से पहले कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। और फिर अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, जो कि पीएम मोदी के लिए एक बड़ी लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की लड़ाई को पहले जीतना होगा। इसलिए सिर्फ यही एक समय है जो यात्रा के लिए सटीक माना जा रहा है। हालांकि पता ये नहीं चल पाया है कि आखिर ये न्योता कब और किसके माध्यम से भेजा गया है। एक सूत्र ने बताया कि उन्हें इस समय इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने की अनुमति नहीं है और खुलासा ये भी नहीं किया गया है कि यह न्योता कब भेजा गया था। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के मित्र बाइडेन की तरफ से जो न्योता उन्हें मिला है वो आखिर कब के लिए तय हो पाता है। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते मोदी का दूसरा अमेरिकी दौरा पीएम मोदी के बाइडेन के कार्यकाल में दूसरी अमेरिकी यात्रा हो सकती है। इसके पहले पीएम मोदी सितंबर 2021 में वाशिंगटन गए थे। इस दौरान उन्होंने बाइडेन के साथ अपना पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया था और पहली इन पर्सन क्वाड समिट में भाग लिया था। बता दें अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील हुई है, जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की मुलाकात हुई। डोभाल इस डील के लिए 30 जनवरी को वाशिंगटन पहुंचे थे। इस डील पर जो बाइडेन ने कहा, इस डील के जरिए दोनों देश चीन के सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला कर सकेंगे। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को पीएम मोदी के भेजे गए इस न्योते पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।